हाँ जी दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इसलिए नहीं कि मैं इस पर कोई डीएम की बात करने वाली हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं डीएम की आज बिल्कुल भी बात करने वाली नहीं हूँ। और आपके लिए भी ये एडवाइस है कि ये जो हमारा कल न्यू मून है इन एरीज एंड फॉलोड विद द इक्विनॉक्स, इस वक्त आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए। कुछ दिन के लिए डीएम को आराम करने दीजिए, उनको मत सोचिए। देन दिस वीडियो विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और तभी आप समझ पाएंगे और तभी आप एक क्वांटम शिफ्ट अपनी लाइफ में कर पाएंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो टाइम है, कल जो न्यू मून इन एरीज है विद इक्विनॉक्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू टाइम लाइन एंड यू आर गोइंग टू कोलैप्स ओल्ड टाइम लाइन जो कि अब आपको सर्व नहीं कर रही है। तो दिस टाइम द एनर्जीज आर वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही फास्ट शिफ्टिंग है। यू आर गोइंग टू बिकम अ होल न्यू वर्जन, एक क्वांटम शिफ्ट है जो कि आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जंप अप कर देगा। एक ड्रास्टिक चेंज आप अपनी लाइफ में देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे। एक फ्रेश बिगनिंग है एंड डेफिनेटली क्लेंजिंग ऑफ योर सोल, और इसीलिए सोल क्लेंजिंग सेशन हमारा चल रहा है। अगर मैं बहुत ही साधारण भाषा में कहूँ कि सोल क्लेंजिंग क्यों करना चाहिए, जो आप लोग पूछते हो और अब तक इतने लोग करा चुके हैं एंड दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, तो आपकी डीएम जो होते हैं ना, वो आपकी सोल से प्यार करते हैं। मतलब आप दोनों की सोल तो एक ही है, बट वो जब 3D में आपको देखते हैं तो ना ही वो आपका रंग रूप, आपका स्टैंडर्ड, आप कितने सुंदर हो, कितने फेयर हो, आपकी क्या हाइट है, अच्छी है कि नहीं है, एवरीथिंग, योर स्टेटस, नथिंग। वो सिर्फ आपकी सोल की प्योरिटी देखते हैं। तो यू मेक श्योर कि क्या मेरी सोल बहुत सुंदर है। अगर नहीं है तो इट्स टाइम टू क्लेंज योर सोल। और ये जो टाइम है जो कि एक ह्यूज रेडिकल चेंज आपकी लाइफ में लेके आने वाला है, आपकी छोटे से एफर्ट से आप अपनी जिंदगी में एक हायर वर्जन बनने वाले हो। योर डायमेंशन ऑफ योर थॉट्स, ठीक है, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अनदर डायमेंशन। क्योंकि मैंने बताया है टाइम ऑफ द 5D शिफ्टिंग, एक बहुत ही ह्यूज और फास्ट शिफ्टिंग हो रही है। यू विल सी इन योर नेक्स्ट लेवल, बट उसके लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, लॉट्स ऑफ ट्रांसमिशन आने वाला है, जो ये फास्ट शिफ्टिंग होने वाली है, कुछ तो करना पड़ेगा। एंड दिस न्यू मून का मतलब ही है रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपके यू हैव टू रिफ्लेक्ट द थिंग्स, आपके चेंजेस जो हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस, कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आपने ये एफर्ट्स नहीं किए तो आप ओल्डर वर्जन ही रह जाओगे एंड देन यू विल डिले योर जर्नी। आज सवेरे मैं अमन से यही कह रही थी, ठीक है। तो आप जो भी चैलेंज सामने आएगा उसको लेना है, एक्शन को एक्सेप्ट करना है, एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कुछ दिन के लिए डीएम को आराम करने दो। उनकी एनर्जी में बाद में मत बता दूंगी आपको, बट अभी ये राइट टाइम है आपका एक्शन लेने का, अपने पे सेल्फ पे फोकस होने का, गो विद इन का। तो सबसे पहले जो टिप्स हैं इस टाइम पे, आपको लेट गो करना है, लेट गो ऑफ योर ओन कंट्रोल ऑन योर माइंड। आपको लगता है कि सिचुएशन को आप अपने हिसाब से हाथ पैर मार के चेंज कर लोगे, तो ये कंट्रोल को प्लीज सरेंडर कीजिए डिवाइन को। अब जिंदगी के हर नेक्स्ट लेवल का चार्ज डिवाइन को लेने दीजिए, ठीक है। जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि मेरे हर सेकंड का चार्ज भगवान लेते हैं, मैंने उनको सरेंडर कर दिया, बिकॉज दिस, ये बॉडी मेरी नहीं है, ये सांसें मेरी नहीं है, तो कोई डिसीजन मैं या मेरा माइंड कैसे ले सकता है? मेरे माइंड को कोई अधिकार नहीं है कोई डिसीजन लेने का। सिर्फ मैं ये अधिकार का चार्ज सिर्फ मेरे भगवान को देती हूँ कि वो मुझे गाइड करेगा, मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो लेट गो ऑफ कंट्रोल ऑन योर ओन, लेट गो द पास्ट सिचुएशंस, जो बीत गया है वो बात गई। फॉरगिव ओल्ड
उन पीपल, उन लोगों को फॉरगिव कर दीजिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपके संग बुरा किया है, ठीक है, वो आपका प्रारब्ध था। तो ये टाइम है, कुछ ऐसे लोगों को आप भुला नहीं पा रहे हो या कुछ ऐसी यादों को निकाल नहीं पा रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड द सोल क्लेंजिंग जो लोग करवाते हैं सेशन में, और तब वो अपग्रेड होते हैं इन द नेक्स्ट डायमेंशन, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को, ये राइट टाइम है कि उन चीज़ों को आप छोड़ दो, लेट गो कर दो, उन पीपल को लेट गो कर दो आपकी लाइफ में जो आपको सर्व ही नहीं करते हैं, वो सिचुएशन को लेट गो कर दीजिए, उन थॉट्स को लेट गो कर दीजिए जो आपको सर्व ही नहीं करती हैं, और उन अटैचमेंट्स को लेट गो कर दीजिए जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने थॉट्स पे फोकस कीजिए, न्यूट्रलाइज योर थॉट्स, फोकस ऑन योर सेल्फ, इन योर एनर्जी, योर टाइम, सेल्फ पे फोकस, सेल्फ लव, पूरा टाइम अब सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, अपने अंदर जाना है। दिस टाइम ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, सिर्फ अंदर जाइए, कुकून में चले जाइए, ये कुकून में जाना ही आपको कुकून से बाहर निकालेगा, मार्क माय वर्ड। जिस कुकून में आप फंसे हो अपनी जिंदगी के, उस कुकून से निकालेगा, इस कुकून में जाना, राइट, क्योंकि बहुत ही बैलेंस एनर्जी में रहना है आपको, बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ रहना है, बहुत ही एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहने के लिए आपको आपके मन को शांत होना होगा। एंड आई एड ऑन प्रैक्टिस DMDF बैलेंसिंग, क्योंकि ये टाइम आपकी बैलेंसिंग ऑफ योर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे आ रही है माँ शक्ति, तो वो टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। हाँ, उन लोगों को आप लाइफ में चूज कीजिए, वो एक्शन चूज कीजिए अपनी लाइफ में जो आपको सर्व करते हैं, इवन द राइट पीपल चूज इन योर लाइफ। कोई भी ऐसे आपको चीज़ें, खबरें सामने आ रही हैं जो कि जज करने वाली हैं, नेगेटिव है, मैनिपुलेटिव है, टॉक्सिक है, नेगेटिविटी है, उनको राइट अवे क्लियर एंड ट्रांसम्यूट, ब्लॉक करिए, क्लियर करिए, बिल्कुल ट्रांसम्यूट कीजिए उस एनर्जी को। एंड चूज सच पीपल जो आपको सर्व करते हैं, आपको लगता है कि यस दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड जो मुझे आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने में प्रमोट करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। डिवाइन पे फेथ करना है, ब्लाइंड फेथ करना है, ट्रस्ट करना है, एंड इट इज एसेंशियल टू ग्राउंड योर एनर्जी दिस टाइम। और क्योंकि मैंने बताया है कि ओम नमः शक्ति शिवाय का मंत्र आप जाप करिए, क्योंकि यू हैव टू बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, तो मेरा DMDF बैलेंसिंग के अलावा आप ओम नमः शक्ति शिवाय मंत्र का भी जाप इस वक्त कर सकते हैं, एंड यू कैन बैलेंस योर एनर्जीज, ठीक है। तो दिस इज टाइम टू क्लेम योर पावर, जो एनर्जी जनरेट होने वाली है, क्योंकि फॉलोड बाई नवरात्रि, सोचिए कितना पावरफुल टाइम है। इट इज न्यू मून एनर्जी विद इक्विनॉक्स एंड फॉलोड बाय द नवरात्रि, यू आर गोइंग टू क्लेम योर पावर, यू आर गोइंग टू क्लेम योर न्यू पॉजिटिविटी, न्यू थॉट्स, न्यू डेस्टिनी। सो शुड आई वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग ओनली अबाउट DM? हाँ, आपको DM को लेके कुछ सोचना है तो आप ये सोचिए कि कहाँ मैं मिरर करती हूँ, कहाँ मुझे करेक्शन करना है, राइट, ये आपको सोचना है कि कहाँ मैं कहाँ मेरे कारण से उनकी जर्नी स्टक हो रही है, उनकी लाइफ स्टक हो रही है, कहाँ मैं स्टक हो रही हूँ, मुझे कहाँ करेक्शंस करने हैं, कहाँ मुझे मेरे अपनी ही अपना हाईएस्ट वर्जन बनना है, कहाँ मुझे ऐसा क्या उन्होंने गाइड किया है या ट्रिगर किया है जो कि जहाँ मुझे अपनी सोल को क्लेंस करना है, ठीक है। आपको इस वक्त बहुत सारे जीरो या 00 या 0000 दिख रहे होंगे, इट्स अ टाइम यहाँ पर सीधे आपसे यूनिवर्स बात कर रहा है और आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आपको बिल्कुल जेन स्टेट और समाधि स्टेट में जाना है इस वक्त, दैट्स इट। सो स्टे फोकस इन योर लाइफ, स्टे फोकस इन टेकिंग द पॉजिटिव स्टैंड्स, एक्शंस, ठीक है। Just let go all the energies, all the people, all the situations, all the thoughts are not serving you. आप देखना, आप अपनी इस जर्नी के नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट डायमेंशन पे खुद को फोकस करोगे। And this is the opportunity. Strong energies आती हैं, चैलेंज आएंगे, उन चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर चैलेंज को आप एग्जाम ही नहीं दोगे तो आप पास और प्रमोट कैसे होंगे।
ठीक है, चैलेंज से नहीं डरना है, बट ट्रस्ट करना है कि ये सिर्फ चैलेंज है और मैं पास बिल्कुल होंगी क्योंकि मेरा यूनिवर्स मेरे साथ है। और इसका कन्फर्मेशन क्या है कि अगर आपको 0000 दिख रहा है तो इट्स कन्फर्मेशन कि आपका नेक्स्ट लेवल पे डायमेंशन चेंज होना ही है, आपकी ग्रोथ होनी ही है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है और ये सिर्फ एक टेस्ट है और आप भी पास होने वाले ही हो इफ़ यू आर फोकस्ड या सरेंडर टू मी। मी मतलब डिवाइन यूनिवर्स, ठीक है। तो जो भी रेडिकल चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, जो शिफ्टिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस पर घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, ट्रस्ट करना है कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। यूनिवर्स इज विद यू, एंटायर हमारी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन। आपको आर्कएंजल माइकल को पूरा चार्ज देना है, आर्कएंजल माइकल को सरेंडर करना है, उनसे कहना है कि ये जो टाइम है इसका चार्ज आप लीजिए, आप ही को वो चैलेंज में मुझे सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है और आप ही को इस चैलेंज से मुझे बाहर निकाल के नेक्स्ट लेवल पे लेके आना है, ठीक है। तो आप लोग आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन लीजिए, पूरी अपनी स्ट्रांग शील्डिंग लीजिए, जो भी मरकाबिक शील्डिंग डॉक्टर साहब ने बताया था, आप वॉलेट फ्लेम शील्डिंग है, जो भी आपकी शील्डिंग है आर्कएंजल माइकल की शील्डिंग लीजिए और बिल्कुल ये टाइम आपका बहुत अच्छे से जाएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी सोल फैमिली के लिए। एंड रेज द वाइब्रेशन ऑफ द पॉजिटिविटी दैट यू आर गोइंग टू शिफ्ट, यू आर गोइंग टू टेक द क्वांटम शिफ्ट, यू आर गोइंग टू बिकम द हाइएस्ट वर्जन ऑफ योर ओन। एंड आपके साथ लाइफ में जो भी चेंज होगा वो बस आपके लिए बेस्ट के लिए होगा। एंड देन यू आर गोइंग टू गिव गेट योर रियूनियन फॉर श्योर। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल।